सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु। और आज एक फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एक्टिवा जो 110 सीसी में लॉन्च हुई है, जिसमें वायरलेस की रिमोट्स हैं। सो उस गाड़ी के बारे में आज बात करने वाले हैं। अभी हम जो खड़े हैं ये सुभाष नगर में खड़े हैं और वन होंडा शोरूम के पास खड़े हैं, ठीक है। सो आज हम डिटेल वाइज बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं क्या क्या फीचर्स में मिलते हैं, डिटेल वाइज बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जल्दी से टाइम वेस्ट करें बिना। सो गाइस, शोरूम के अंदर हम आ चुके हैं और आज हमारे साथ है, आप देखिए, होंडा एक्टिवा स्मार्ट की वाली जो स्कूटी है जो न्यू अपडेट्स के साथ आई है, 2023 का वेरिएंट। इसके साथ जितने फीचर्स हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, वो सब कुछ हम आज जानने वाले हैं। प्लस इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो कितनी कॉस्ट करती है, प्लस कितने कलर्स ऑप्शंस हैं, क्या क्या फीचर्स, डिटेल्स में इसमें बताऊंगा क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। प्लस इसके अलावा ये है इसकी चाबी। सो आप देखिए, ये चाबी ऐसी है जो हम इस पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले क्या होता था कि हमें की लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, बट अब इस एक्टिवा में आपको की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें दो आपको स्मार्ट कीज़ दी हुई हैं जिनका हम यूज़ करने वाले हैं इस बाइक पे, मतलब इस स्कूटी पे, ठीक है। सो एक्टिवा के अंदर अब ऐसी चार कीज़ हैं, मतलब दो वायरलेस कीज़ हैं और दूसरी जो इसमें दी हुए हैं, एक मैनुअल लॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये इसके बूट वगैरह को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और जानते हैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल वाइज की क्या क्या फीचर इसमें देखने को मिल जाते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जल्दी से टाइम वेस्ट करें बिना। तो गाइस, ये है इसकी स्मार्ट की और आज हम बात करने वाले हैं एक्टिवा स्मार्ट की वाली जो गाड़ी है 110 सीसी में, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट की। तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया डिसेंट आपको फ्रंट देखने को मिल जाता है इसका हेड, जिसमें आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाती है, जो कि लो बीम हाई बीम आपको इसमें फीचर देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि हैलोजन इंडिकेटर्स हैं। थोड़ा सा नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको होंडा का स्टिकर देखने को मिल जाता है। प्लस नीचे अगर आप चलते हैं, यहाँ पे कर्व डिजाइनिंग काफ़ी अच्छी दी हुई है जो इसके लुक को इनहेंस कर देता है। प्लस यहाँ पे आप लेफ्ट में और राइट में देखेंगे, दोनों साइड में क्रोम की फिनिशिंग दी हुई है जो कि इसके लुक को इनहेंस कर देता है। प्लस थोड़ा सा नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको इसका मेटल का मडगार्ड देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको फ्रंट में कवर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है। और साथ में आपको यहाँ पे साइड्स में रिफ्लेक्शन के लिए एक रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए। साथ के साथ इसमें आपको टेलीस्कोपिक शॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है, फ्रंट में, रियर में भी ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अगर टायर साइज़ की हम बात करें तो 90x90 का इसको आपको 12 इंच का अलॉय देखने को मिल जाता है। इससे पहले जो गाड़ी आती थी उसमें आपको ऐसे रिम देखने को मिल जाते थे, बट अभी यहाँ पे आपको अलॉयज देखने को मिल जाते हैं 12 इंच का फ्रंट इंच में। रियर की बात करें तो रियर में जो आपको टायर देखने को मिलने वाला है, ये आपको 10 इंच का अलॉय देखने को मिलेगा, 90x100 का 10 इंच का, ठीक है। सो ट्यूबलेस टायर्स हैं दोनों ही गाड़ियों में, अलॉय दिए हुए हैं। और एक जो फीचर आपको अपडेट इसमें गाड़ी में दिया हुआ है वो क्या, वो है इसका किक स्टार्ट इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। पहले आपको किक स्टार्ट देखने को मिल जाता था, जैसे कि ये वाली गाड़ी खड़ी 110cc 6G, यहाँ पर आपको किक स्टार्ट देखने को मिल जाता, बट यहाँ पर आपको कोई किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो किए गए हैं। उसके अलावा हम बात करें साइड्स में जो इसकी एक्टिवा लिखा हुआ है, ये काफ़ी बढ़िया 3D में लिखा हुआ है। प्लस एच स्मार्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें इस गाड़ी की सीट की, जो सीट कंफर्ट है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। सब बूट ओपन हो गया, यहीं से दिया हुआ है, जैसे आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आवाज़ आ जाएगी। आप देख सकते हैं लगभग इसमें आपको 18 लीटर का आपको बूट स्पेस देने को मिल जाता है। सो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस देने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जो इसमें फ्यूल टैंक दिया हुआ है, आउटसाइड में फ्यूल टैंक दिया हुआ है, सो उसको खोलने के लिए यहीं पर हम प्रेस करेंगे, ये देखिए आवाज़ आई, किट से एक आवाज़ आएगी जिसमें आप पीछे आप देख सकते हैं ओपन हो गया। 5.3 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है और आउटसाइड है, आपको उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे आपको जो टेल लैंप देखने को मिलेगी, ये आपको नॉर्मल हैलोजन देखने को मिलने वाली है। स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, सो आप देख सकते हैं इसकी जो लाइट है पीछे ये हैलोजन है, जो मोटा बल्ब होता है वही है, और बाकी इंडिकेटर्स तो सेम एज इट इज़ हैलोजन ही आपको देखने को मिल जाते हैं। जो इसका ग्रैब ग्रिल है, ये वाला जो ग्रैब ग्रिल है इसका, ये आपको सिल्वर कलर में देखने को मिल जाता है और काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है, वाइडर है और इजीली आप ग्रैब कर पाएंगे इसको, तो काफ़ी अच्छा पोजीशन में देखने को मिल जाता है। इसकी जो डिटेल वाइज वीडियो है, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब कुछ मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पर, तो वो भी आप देख पाएंगे। इसमें आपको कुछ फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो इसमें ग्रीन इंडिकेटर आ गया, यानी कि अब गाड़ी को हम स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है।
सो अब लाइट जल जाती है, जैसे ही लाइट जल जाती है तो आप इस गाड़ी को ऑपरेट कर पाओगे, ठीक है, और यहीं से आप इसको ऑन भी कर सकते हो। जैसे इसको हम ब्रेक दबाएंगे, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो इंजन का आप साउंड सुन सकते हो, कैसा साउंड आ रहा है। अब इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और यहीं से गाड़ी का सीट वगैरह ओपन हो जाता है, फ्यूल लाइट वगैरह ओपन हो जाता है। और इमरजेंसी के लिए अगर आपको इसका बूट ओपन करना है तो इसके लिए एक एलकी दी हुई है, इस एलकी के थ्रू आप यहां से ओपन करके उसको ओपन कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है भैया, तो अगर आपको देखना है कैसे इसके फीचर्स काम करते हैं तो आप वो देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको वही देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसमें आपको एनालॉग सिस्टम देखने को मिलता है, डिजिटल नहीं देखने को मिलता, और फ्यूल का आपको यहाँ गेज देखने को मिल जाता है, बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो की है उसके लिए नया फीचर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर की आपकी मान लो दूर चली जाती है, रेंज से आउट ऑफ रेंज चली जाती है, देखिए जैसे कि ये मैंने की दे दी दूर और थोड़ा दूर चले गए तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बट कितनी दूरी है अभी, सिर्फ और सिर्फ 3 कदम की दूरी पर, थोड़ा दूर हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। अगर अब मैं इसको ऑन करने की कोशिश करूँगा तो अब ये गाड़ी ऑन नहीं हो रही है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। सो ये आपका काफ़ी बढ़िया फीचर है कि दूर चले गए तो नहीं होगा, 10 मीटर बोला वैसे, लेकिन 10 मीटर से भी कम में ये स्टार्ट नहीं होगी, मतलब तो अच्छा फीचर है, ठीक है, तो सेफ्टी है। उसके अलावा इस गाड़ी का तो मैंने बता ही दिया आपको कि आपको डिटेल वीडियो तो मैंने बनाई रखी है इस की के बारे में। यहाँ पे आपको जो इसके मिरर्स देखने को मिलेंगे काफ़ी बढ़िया मैटिंग में देखने को मिल जाते हैं, अच्छे डिज़ाइन में। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग की सिस्टम देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी आपको देखने को मिल जाती है। और डिटेल वाइज अब बात करते हैं इस गाड़ी का जो लेंथ है, विड्थ है, कितना आपको इसमें पावर देखने को मिल जाता है, क्या इस गाड़ी का प्राइसिंग है, वो सब कुछ आपको सभी को बताता हूँ मैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले इस गाड़ी का जो इंजन है वो आपको कितना देखने को मिल जाता है। तो एग्जैक्ट अगर इंजन की बात की जाए तो 109.51 सीसी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, यानी कि 109.51 सीसी का आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी की अगर हम बात करें मैक्सिमम आउटपुट की, तो आपको जो इसमें आउटपुट देखने को मिलने वाला है 5.77 किलोवाट एट द रेट ऑफ 8000 आरपीएम पे। वहीं पे अगर हम इसकी गाड़ी के टॉर्क की अगर हम बात करें तो इसमें आपको टॉर्क जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 8.90 एनएम का एट द रेट ऑफ 5500 आरपीएम पे। बात करें अगर इस गाड़ी के लेंथ की, ओवरऑल लेंथ जो आपको देखने को मिलने वाली है वो मिलने वाली है 1833 mm की, और वहीं पे अगर हम बात करें इस गाड़ी के विड्थ की तो आपको 697 यानी कि 697 mm का इसमें आपको विड्थ देखने को मिल जाती है। और हाइट की अगर बात करी जाए तो 1156 mm का इसमें आपको हाइट देखने को मिल जाती है, 1156। उसके अलावा अगर व्हील बेस की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो आपको 1260 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो इस गाड़ी में आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, सफिशेंट है। उसके अलावा इसकी जो सीट लेंथ है, सीट की जो हाइट है, अगर आप सीट की हाइट की बात करें तो 692 mm की आपको इसमें सीट हाइट देखने को मिल जाती है। गाड़ी का जो कर्व वेट आपको देखने को मिल जाता है वो देखने को मिलेगा 106 kg का, ठीक है। सो ये इसकी डिटेल्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो आपको बता देता हूँ। कलर्स की अगर बात करें तो आपको लगभग 6 कलर्स देखने को मिल जाते हैं, सामने आपके पास काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शन दिख ही रहे हैं, इसके अलावा इसमें 6 कलर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो गाइस अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की, तो इसका जो एक्शोरूम प्राइस है, जो पैन इंडिया सेम रहने वाला है, वो इसका प्राइस है 80,537 रुपीज़, हिंदी में बात करूँ तो 80,537 रुपये में, ठीक है। इसका जो ऑन रोड प्राइस है, दिल्ली नंबर की अगर बात करूँ, आज अगर दिल्ली की बात करें तो 95,000 रुपीज़ इसका ऑन रोड प्राइस है। एग्जैक्ट की बात करूँ तो 95,153 वन होंडा शोरूम न्यू दिल्ली में, सुभाष नगर के पास है नियर बाई शोरूम। अगर इनकी जो डिटेल्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगी, सो आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। और बाकी जो इसका डिटेल वाइज रिव्यू मैंने किया है, ये आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल ओवर मैंने सब कुछ इसमें आपको डिटेल वाइज बता चुका हूँ, फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।